Good morning, students. Today in this video, I am going to give you a brief introduction of our chapter number 3, that is data handling. मैं आपको डाटा हैंडलिंग के बारे में आज कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम जो है डाटा हैंडलिंग है. तो डाटा हैंडलिंग से बच्चों हम क्या समझते हैं. डाटा हैंडलिंग मीन्स हमारे पास कोई डाटा दिया होगा और उसको हमने हैंडल करना है. हैंडल इन द सेंस कि हम उसको इस तरह से अरेंज करेंगे कोई टेबुलर फॉर्म में. टेबुलर फॉर्म मीन्स किसी टेबल की फॉर्म में अरेंज करेंगे जिससे कि हमें कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उससे मिल जाए, जिसको हम बोलते हैं डाटा हैंडलिंग. मीन्स डाटा को हैंडल करना है, इस तरह से अरेंज करना है किसी टेबल की फॉर्म में कि हमें उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए वैल्यूएबल जो हमारे रिलेटेड काम की हो, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया हो. अब इसमें से हमारे पास सबसे पहले 4 मेन टॉपिक्स हैं जो हैं हमारे पास. नंबर 1 इज़ रेंज, सेकेंड इज़ मीन, थर्ड इज़ मीडियन एंड 4 इज़ मोड. रेंज, मीन, मीडियन एंड मोड. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा हैंडलिंग में हमारे पास डाटा क्या क्या दिया जा सकता है, कौन सा होगा. एग्जांपल लिखते हैं. सबसे पहले मान लो आपके पास मार्क्स गिवन हैं ऑफ, जैसे आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं कोई, उनमें से 10 स्टूडेंट्स के किसी के मार्क्स आए हैं. जैसे सबसे पहले आगे एक के 2 आए, फिर 5, देन अगेन 5, 7, 9, 3, 4, 1, कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ये आपके किसी 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, है ना. मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं, इतने मार्क्स आपने लिए. अब आपको बोला है कि अरेंज या आपको इन मार्क्स को किसी टेबलो फॉर्म में शो करना है. तो सबसे पहले टेबलो फॉर्म में शो करती बार हम क्या लिखते हैं. सबसे पहले तो हम लिखते हैं मार्क्स एंड देन टैली मार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी. मार्क्स तो आप सिंपल समझते हैं कि ये जो जितने जितने मार्क्स सबके आए हैं उसको आप इस तरह से लिखेंगे टेबलर फॉर्म में, इस टेबल की फॉर्म में. देन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों. फ्रीक्वेंसी मीन्स जैसे कि आपके 2 मार्क्स आए हैं तो आप ये देखेंगे 2 मार्क्स आपकी क्लास में आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स कितने बच्चों को 2 मार्क्स आए हैं. तो यहां देखो सबसे पहले 2 मार्क्स सिर्फ एक ही बच्चे को आए, तो मार्क्स लिखेंगे हम 2. और कितने बच्चों को आए हैं 2 मार्क्स, ओनली 1. तो फ्रीक्वेंसी मीन्स एक ही बच्चे को आए हैं. और टैली मार्क्स में जो फ्रीक्वेंसी को हम शो करेंगे टैली मार्क्स में एज 1. अब टैली मार्क्स में एक चीज ध्यान रखना, हम जो लिखते हैं उसको हम लिखते हैं इस तरह से, 1 हम इस तरह से लिखेंगे टैली मार्क्स में, और हमें 2 लिखना हो तो ऐसे 3 एंड देन 1, 2, 3, 4 एंड देन अगर 5 लिखना हो तो 1, 2, 3, 4 एंड 1 डायगोनली लाइन, इसको हम 5 रिप्रेजेंट करेंगे इसको. और अगर 6 लिखना हो तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6. यस, अब देखो अगला मार्क्स है हमारे पास 3. 3 देखो बच्चों कितने बच्चों के आए हैं यहाँ पे, 1 एंड 2, ओनली 2 स्टूडेंट्स के 3 मार्क्स हैं. तो मीन्स 3 फ्रीक्वेंसी हो गई 2 और इसको शो करेंगे टैली मार्क्स में 2 करके. उसके बाद कौन सा नंबर है, 4. 4 कितने बच्चों के आए हैं, ओनली 1 स्टूडेंट. तो मींस 4 मार्क्स ओनली 1 स्टूडेंट्स के फ्रीक्वेंसी में एंड यहां टैली मार्क्स में भी 1, है ना. इस तरह से हम इसको टेबलर फॉर्म में, मैंने सिर्फ इतना सा एग्जांपल दिया. नेक्स्ट आप लोगों को पता है मैं अपने क्वेश्चन भी करवाए हैं इस तरह से, है ना. अब आती है बात हमारी सबसे पहले रेंज की, कि रेंज क्या होती है. रेंज मींस अब देखो आपकी किनी क्लास के किनी 5 स्टूडेंट्स की अगर मैं हाइट ले लूँ, है ना, सेंटीमीटर में अगर मैं हाइट ले लूँ तो कितनी आएगी. मान लो 125 है एक बच्चे की, देन 130 एंड देन 132 एंड देन 135 एंड देन 140. ओके, रेंज मींस, रेंज होती क्या है. रेंज होती है हमारी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. अब हाईएस्ट वैल्यू रेंज मीन्स कितनी है हाईएस्ट वैल्यू. यहाँ पे देखो यहाँ पे हाइट्स में से कितनी है, सबसे ज़्यादा हाइट किस बच्चे की है, 140. तो मीन्स हाईएस्ट वैल्यू 140 माइनस लोएस्ट वैल्यू. लोएस्ट वैल्यू इज, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू हियर, इज 125 है लोएस्ट वैल्यू. तो मीन्स डिफरेंस कितना आया, 530 एंड 1040 मीन्स 15.
तो हमारी रेंज आ गई 15। रेंज से क्या मतलब है, मान लो आपकी क्लास में टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट्स ये हैं यहाँ पे, है ना। तो रेंज का मतलब हुआ कि जो आपकी सबसे ज़्यादा लंबा जो स्टूडेंट है और सबसे छोटी हाइट वाला जो स्टूडेंट है उनके बीच में ही है ना सारे और स्टूडेंट, तो ये सबसे लंबा ये सबसे छोटा, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, सबसे लंबे बच्चे और सबसे छोटे बच्चे की हाइट में कितना डिफरेंस है, दिस इज़ कॉल्ड द रेंज। आ गई 15, यानी कि 15 सेंटीमीटर की रेंज है हमारी क्लास में हाइट्स की स्टूडेंट्स की। अब सेकेंड चीज़ आती है हमारे पास मीन। सेकेंड आ गया हमारे पास मीन। व्हाट इज मीन? मीन इज जैसे कि आपको कोई डाटा दिया होगा है ना, उसमें से होती है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मान लो आपके पास डाटा दिया है 4, 3, 2 है ना, मार्क्स दिए हैं 3 बच्चों के, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएगा भाई, 4 + 3 + 2 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स नंबर कितने हैं, 1, 2 एंड 3 नंबर्स हैं, तो अपॉन में 3 करके आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे हम, अगर यहाँ पे 5 नंबर्स होते तो हम अपॉन में 5 लिख देते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर 3 पे आ जाता है हमारे पास क्या आएगा, मीडियन। ओके मीडियन, मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है बेटे मिड वैल्यू, मिड वैल्यू है ना, और या इसको हम बोल सकते हैं जो हमारे पास मिडल टर्म होगी, मिडल टर्म या मिड वैल्यू। जैसे आपके पास यहाँ है 2, 1, 4, 5 एंड 6 है ना, अब यहाँ पे आपको बतानी है कि मीडियन क्या होगी, मींस मिड वैल्यू क्या होगी, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते जो आपको डाटा दिया है, आपको इसको सबसे पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में आप इसको पहले अरेंज करोगे उसके बाद आप मिड वैल्यू निकालोगे। तो इसको हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, सबसे पहले आएगा 1, फिर 2 एंड देन 4 एंड देन 5 एंड देन 6। अब कितने नंबर हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया इसको, अब कितने नंबर है बच्चों यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, तो मीन्स मिड वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, क्योंकि इस तरफ भी लेफ्ट साइड में 2 नंबर्स हैं और राइट साइड में भी 2 नंबर्स हैं, तो मिड वैल्यू आ गई, मिडल टर्म है 4, तो हमारे पास मीडियन कितना आया 4। अब आ जाते हैं हम मोड पे। व्हाट इज मोड? मोड इज द हाईएस्ट रिपीटिंग वैल्यू, हाईएस्ट रिपीटिंग वैल्यू, और वी कैन से इट कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उस नंबर की, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसको बोला जाता है मोड। यानी कि आप हाईएस्ट रिपीटिंग वैल्यू और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से आप क्या समझते हैं, मैं दोबारा अपनी टेबल ऑफ फॉर्म वाले इस पे आता हूँ। अब देखो इन्हीं तीन का एग्जांपल ले लो, जैसे आप है ना, तो अब आप पास 2 मार्क्स हैं, कितने बच्चों के, ओनली 1 बच्चों के, 3 मार्क्स हैं 2 बच्चों के, 4 मार्क्स हैं ओनली 1 बच्चे के, तो मीन्स हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी आई यहाँ पे, ये आई 2 है ना, यानी कि 3 मार्क्स की है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, दैट इज 2, मीन्स 2 बच्चों के हैं 3 मार्क्स, तो मीन्स हमारा मोड कितना आ जाएगा, हमारा मोड कितना आ जाएगा 2, बिकॉज 2 इज द हाईएस्ट रिपीटिंग वैल्यू और वी कैन से द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिस नंबर की होगी वो होगा हमारे पास मोड। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको रेंज, मीन, मीडियन एंड मोड का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता लग गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रह गई होगी बेटे तो हम उसको क्लास में सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, है ना, आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लास में, ऑनलाइन क्लास में सॉल्व कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, देन थैंक यू।